ये आपको मिलेगी डब्ल्यू 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 डॉट जॉब्सम ठीक है अब जाके अप्लाई मत करने लग जाना पहले समझना कि आपके लिए जॉब है भी नहीं और सिलेक्शन कैसे होने वाला है राइट तो अब आप आपको कैसे मिलेगी वो चीज मैं आपको बता देता हूं आप जैसे सर्च करोगे ये या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख रखा है माय वेबसाइट ओके उसके आगे लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करोगे वेबसाइट ओपन हो जाएगी इस तरीके से वेबसाइट ओपन होगी दो मिनट के लिए रख रहा हूँ आप देख सकते हो ध्यान से क्योंकि बहुत कैंडिडेट्स के मेरे को मैसेजेस आते हैं कि हमें मिलने ही रही ये वेबसाइट है सबसे टॉप पर आपको ये मिल जाएगा वर्क फ्रॉम होम जॉब पहले पे आप ऐसे मैंने क्लिक किया राइट तो ये जॉब ओपन हो गई अब करना क्या है अब आप धीरे धीरे नीचे आओगे ये इंट्रो है ठीक है इसको मिस करके यहाँ पे फर्स्ट जॉब अपडेट ठीक है फर्स्ट जॉब अपडेट का लिंक रहा। फिर नीचे आओगे सेकंड जॉब अपडेट सेकंड जॉब अपडेट के बारे में एक एक ये देखो पॉइंट्स लिख रखे तो इन पॉइंट्स को आपको पढ़ना है ये चीज याद रखना बिना पढ़े कर दोगे तो हंड्रेड परसेंट आपको जॉब मिलेगी नहीं फिर मेरे पास मत आना कि रिवर्ट नहीं आता है हमें राइट तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए वीडियो को आगे कंटिन्यू देखो एक एक चीज पॉइंट समझो हेलो फ्रेंड्स होप यू ऑल आर डूइंग वेल वेलकम टू अवर फ्रेश एंड अमेजिंग नोटिफिकेशन तो आज का जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम पे पहले आप लोगों को अपडेट दे दिया था कि आज कम से कम पांच या छह अपडेट ऐसे देने वाला हूं मैं आपको जिससे आप का जो रेज्यूमे किसी भी जॉब के लिए आप करते करते हो करते हो अपलोड तो मीनिंग आप समझाता हूं इसका आपका जहां पे लिखा होता है, फ्रेशर आपका जो फ्रेशर वर्ड लिखा होता है आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो उधर एक्सपीरियंस आपको डालने एक्सपीरियंस कैसे डालने आपको कुछ इंटर्नशिप्स करनी है बेस्ट से बेस्ट आपको पेइंग जॉब्स भी मिलनी चाहिए वो भी वर्क फ्रॉम होम जिससे कि आप फ्रेशर वर्ड जो है उसको हटाकर एक्सपीरियंस लिख सको क्योंकि कहीं पे भी आप अप्लाई करते हो आपसे पहले जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है ये सभी को पता है क्योंकि जब आपसे बेस्ट कोई उनको कैंडिडेट मिल रहा है तो वो आपको हंड्रेड परसेंट रिजेक्ट करेंगे तो फाइनली जो जॉब है फिलहाल वो वेबसाइट पे डल चुकी है तो मैं आपको बता देता हूं आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना है डब्ल्यू 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 डॉट जॉब्स ऑल इंडिया डॉट कॉम ओके सारा वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है कुछ भी आपको कहीं नहीं जाना अप्लाई इंटरव्यू सारी डिटेल्स सब कुछ मैंशन है प्लीज जो लोग मुझसे ये एक ही सवाल पूछते हैं जो जो मैंने वीडियो के अंदर बता रखा होता है और वेबसाइट पे दे रखा होता है उनको मैं रिप्लाई ही नहीं करने वाला आप लोग बोलते हो कि सीन करके आप मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो यही कारण होता है कि मैंने वो चीज बता रखी होती है इसीलिए आप खुद समझ जाया करो कि हमने वही चीज पूछी है जो चीज मेंशन है तो खुद चेक कर लिया करो दोबारा और प्लीज एक बार मेहनत करो ना बार बार वीडियो की देखते हो बहुत सारे लोग होते हैं तीन तीन बार वीडियो खोलनी पड़ती है उन्हें तो एक बार पूरी कंप्लीट देख लो उसके बाद खत्म कहानी राइट तो एक एक स्टेप समझना जो चीज समझाऊंगा और कैसे अप्लाई करना है और सिलेक्ट कैसे होना है ये भी चीज समझाऊंगा ओके तो सिंपली जैसे आप सर्च करोगे वेबसाइट पर आ जाओगे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है वेबसाइट आपको स्क्रीन पर भी दिख रही है ठीक है तो जैसे आप फर्स्ट लेटेस्ट जॉब फॉर फ्रेशर्स एंड स्टूडेंट्स एंड हाउस वाइज वर्क फ्रॉम होम फर्स्ट पोस्ट पे आप क्लिक करोगे आपके सामने जॉब ओपन हो जाएगी जॉब का इंटरसरफेस फर्स्ट इंट्रोडक्शन है उसको इग्नोर करते हुए जैसे नीचे आते हो आप नीचे फर्स्ट जॉब क्या लिखा हुआ है कॉल सेंटर ऑपरेशन वर्क फ्रॉम होम जॉब इंटरशिप्ट एट फाउंडर्स अनफिल्टर्ड ओके ये एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की जॉब है ठीक है फर्स्ट जो जॉब है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वर्क फ्रॉम होम ओके और कैन स्टार्ट द वर्क फ्रॉम होम बिटवीन इसकी जो लास्ट डेट है वो ट्वेंटी टू जनवरी है ठीक है अगर आप लोग uh, जो लोग ट्वेंटी टू जनवरी के बाद ये वीडियो देखें तो उनको पहले ही पता चल जाए इसलिए उनका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया ट्वेंटी टू जनवरी लास्ट डेट है ओके okay,

एक्सपीरियंस कैंडिडेट लिख सकते हो कि सिक्स मंथ्स का मेरे को एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ये इंटर्नशिप्स होती ही इसलिए ताकि आप लोगों को जॉब के लिए प्रिपेयर कराया जाए जिसके पास टाइम है तो वो ये वाली जॉब कर सकते हैं और भी बहुत सारी है पार्ट टाइम भी है तो सारा सुन लेना जो पसंद आ रही है उसके लिए अप्लाई करना बट मैं आप लोगों को बोलूंगा इन सब के लिए ही अप्लाई करना सबसे बेस्ट रहेगा एक में नहीं तो दूसरे में जरूर चांस आएगा राइट तो ये वाली मैंने आपको बता दी बाकी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है वेबसाइट पे पॉइंट वाइज जाके पढ़ना बिना पढ़े लिखे करते हो टर्म्स एंड कंडीशन जैसे हर एक जगह साइन करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन होती है ना वैसे ही ये चीजें भी पढ़कर ही जॉब के लिए अप्लाई किया करो कि आपके लिए सुटेबल है या ये जॉब आपके लिए है भी या नहीं है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो बिना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़े कर देते हैं अप्लाई और बोलते हैं हमें रिवर्ट नहीं आता तो ये चीज नहीं करनी है ठीक है स्टेप्स अप्लाई के नीचे दे रखे लिंक ऑफ अप्लाई लिंक ऑफ द जॉब

इनका ऐप भी है इनकी वेबसाइट भी है ये कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जैसे कि अन अकेडमी है वेदांतु है वैसे ये टॉपर भी है ओके टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स भी बहुत सारी देखी होंगी आपने इसकी तो इस, इसके अंदर भी क्या जॉब रोल, तो रोल रहने वाला है आपका वो मैं आपको बताया था किस बेसिस पे इन्होंने जॉब निकाली है इन्होंने इनका जो जॉब रोल रहने वाला है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है वो क्या रहने वाली है वर्क ऑन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ऑफ टीचर हु यूज दिस प्लेटफॉर्म

उसको आपको सेटअप करके देना है इनको बहुत इजी इजी जॉब है यार बहुत जबरदस्त बस आप लोगों को अप्लाई करना है ठीक है अगर थोड़ी सी भी नॉलेज हो इन सब चीजों की तो आप इजीली कर सकते हो नहीं तो यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे आप इसके बारे में कि कैसे हम मीटिंग सेटअप कर सकते हैं ये सब ये सारी जानकारी लेके अप्लाई कर देना कोई दिक्कत नहीं है ओके बाकी इसके अंदर टीचर्स को कोई क्वेरी आती है ऑनलाइन क्लास लेते वक्त कनेक्शन नहीं मिल पाता तो वो क्वेरीज आपको सॉल्व करनी है वो देखना कि किस वजह से किसका कनेक्शन लूज है टीचर का लूज है या स्टूडेंट्स का लूज है आवाज क्यों नहीं जा पा रही सेटिंग्स करके एक प्रॉपर इनको देना पड़ेगा आपको राइट right? तो ये चीजें मैंने आपको बता दी कि सिलेक्ट भी कैसे होना है आप यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते हो कि कैसे कैसे करना है और उसके बाद इस चीज के अंदर सिलेक्ट अप्लाई कर सकते हो सबके लिंक्स उनके डिस्क्रिप्शन के नीचे दे रखे हैं सिंपली आप देख सकते हो ऐसे क्लिक का बटन राइट right? जैसे ये ये जॉब यहां से नीचे आया पहली जॉब पहली जॉब का डिस्क्रिप्शन के नीचे ये रहा लिंक ओके तो सिंपली उसके बाद जो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए थर्ड ईयर वाले भी एलिजिबल है बैचलर्स डिग्री ओके स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स रहने चाहिए आपके रिटर्न प्लस ओवरऑल दोनों चीज रहनी चाहिए राइट और आपको एमएस पावर पॉइंट आना चाहिए और एमएस एक्सल जिसने कंप्यूटर कोर्स कर रखा हो बेसिक भी कर रखा हो आप लोग अप्लाई करना बिंदस राइट और आप रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए हो बहुत ज्यादा अपनी जॉब को लेकर राइट तो यही चीज है सिंपल नीचे क्लिक के बटन पे क्लिक करोगे आप जॉब के ऊपर पहुंच जाओगे डायरेक्टली आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो ठीक है जो थर्ड जो है वो एस्ट्रोलॉजर सपोर्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब आपने बहुत बार टीवी में या आपने गूगल पर यूट्यूब पर एड देखी होगी एस्ट्रो गुरु ठीक है एस्ट्रोलॉजी के गुरु जी है उनका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है राइट आ, किसी के मम्मी पापा भी जुड़े हो सकते हैं ये मेरे को पता नहीं किसी के फैमिली मेंबर्स में कोई जुड़ा हो सकता है तो उनकी तरफ से उनका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है उनके इतने सारे एप्लीकेशन है और जब मैंने रिसर्च किया तब मेरे को पता चला बहुत सारे इनके एप्लीकेशन है बहुत सारी वेबसाइट्स है तो कस्टमर्स बेस बहुत ज्यादा है तो इनको कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की जरूरत है वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाली आपकी तो सिंपली क्या करना है आपको अप्लाई कौन कौन कर सकता है एलिजिबल कौन कौन है ये मैं आपको बता देता हूं इसके लिए ओनली दोस्त कैंडिडेट अप्लाई हु आर अवेलेबल फॉर द वर्क फ्रॉम होम जॉब आप वर्क फ्रॉम होम जॉब कर सकते हो राइट ठीक है कैन स्टार्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब ये इसकी जो लास्ट डेट है वो फेब्री ट्वेंटी फर्स्ट फेब्री है ठीक है फर्स्ट ऑफ इसकी लास्ट डेट है ठीक है और ये तीन महीने की इंटर्नशिप रहने वाली है आपकी हैव अ रेलिवेंट स्किल्स एंड इंटरेस्ट ठीक है बहुत इजी इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है स्पेशली क्योंकि यार देखो स्टूडेंट्स के लिए निकाला गया ये जिन स्टूडेंट जो लोग फ्रेशर्स हैं जिन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया है तो उन लोगों के लिए ही स्पेशली चीजें निकाली गई हैं तो आप लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं ट्वेल्थ पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं ठीक है इसके अंदर मैंने जो वर्क फ्रॉम होम्स डाले जितने भी कुछ जॉब्स ग्रेजुएशन वालों के लिए कुछ जॉब्स टेंथ एंड ट्वेल्थ वालों के लिए आपको पढ़ना है इधर आप एक पॉइंट पढ़ोगे जो जो चीजें लिखी हुई है पढ़ोगे आपको समझ आएगा कि कौन सा जॉब मेरे लिए है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते जैसे ऊपर वाला जो जॉब था उसमें साफ साफ लिखा रखा था बैचलर्स डिग्री तो मीन्स यू हैव टू बी अ ग्रेजुएटेड ओके तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए तो सिंपली इनके ज्यादातर के लास्ट डेट अगले महीने के तो आराम से इस महीने आप अप्लाई कर सकते हो और मैं पहले ही बता देता तो हूं एक चीज बोलना चाहूंगा प्लीज मेक श्योर अपने सभी दोस्तों को या रिलेटिव्स में कोई कजन बहन भाई हो तो प्लीज उनको शेयर करा करो एटलीस्ट यार आपके थ्रू किसी और को भी फायदा हो जाएगा राइट right? आप किसी को हेल्प करोगे जैसे मैं एक तरह से हेल्प करता हूं सबकी तो उस तरीके से प्लीज आप भी जरा हेल्प करो ताकि औरों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचे एंड और लोग भी अप्लाई कर सके फ्री ऑफ कॉस्ट है इनके लिए आपको किसी के लिए कुछ पे नहीं करना तो मेक श्योर sure अपने फ्रेंड्स को क्या पता आपके किसी शेयर करने से कोई आपका फ्रेंड जो ऑफ ढूंढ रहा हो उसकी हेल्प हो जाए राइट एंड अगर वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो प्लीज लाइक कर दो होप्स आपको बहुत अच्छा अपडेट लगा होगा इतनी सारी जॉब्स एक साथ है तो प्लीज लाइक एंड कमेंट अभी कर दो नहीं तो आप भावनाओं में बहते हुए लास्ट तक चले जाते हो रिप्लाई करने चले जाते हो ठीक है तो सिंपली अब मैं बता देता हूं जो थर्ड अपडेट थर्ड अपडेट हो गया जो एस्ट्रोलॉजी गुरुजी से रिलेटेड है उनसे हो गया अब फोर्थ जो अपडेट है वो कंटेंट टाइपिंग का है डाटा एंट्री का वर्क रहने वाला है तो सिंपली मैं वर्क फ्रॉम होम जॉब ये भी एक जैसे मैंने ऊपर टॉपर कंपनी बताई थी ठीक है टॉपर वैसे ये है एग्जाम बाजार राइट तो इसमें क्या होता है आपको जो नोट्स होते हैं बच्चों के उसको टाइप करके प्रोवाइड करना होता है इनको ठीक है नोट्स होते हैं असाइनमेंट्स होते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं तो इतना जिस के घर पे घर पे पीसी लैपटॉप अवेलेबल है अच्छा स्मार्टफोन है इंटरनेट कनेक्शन है तो आप लोग भी अप्लाई कर देना कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है ऐसा जरूरी नहीं है अब मेरे पास आके ये मत बोलना कि हमारे पास पीसी होना चाहिए कि लैपटॉप होना चाहिए अब मैंने बता दिया ये चीज ठीक है क्लियर कर दिए और यहां पर भी मैंने सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है आपको स्किल्स कौन कौन सी रिक्वायर्ड होनी चाहिए एमएस वर्ड आना चाहिए सिंपल और मोबाइल वालों के लिए मैं ये बता देता हूँ जिसके पास मोबाइल राइट तो आप लोगों को सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और गूगल शीट्स करके आता है एमएक्स एक्सएल के लिए एमएस वर्ड गूगल एमएस वर्ड के लिए अलग अलग एप्लीकेशन आते हैं आप उनको इंस्टॉल करके वर्क फ्रॉम होम जॉब्स कर सकते हो मैंने आपको ये फंडा भी बता दिया एप्लीकेशन आते हैं आप उन उनकेशन से अपने फोन को कंप्यूटर बना के वर्क कर सकते हो राइट और इसके स्टेप्स अप्लाई करने के यहीं पर दे रखे और इसका लिंक भी दे रखा है सिंपली आपको क्लिक करना है जाकर अपनी डिटेल्स प्रॉपरली फिल अप करनी है ठीक है एक एक चीज प्रॉपरली अप करना और आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स के मेरे को मैसेजेस आए कि हमें रिवर्ट नहीं आ रहा कहीं से भी हम इधर भी अप्लाई कर रहे हैं हम उधर भी अप्लाई कर रहे हैं कहीं से रिवर्ट नहीं आ रहा तो मैं आप सबको यही बताना चाहूंगा अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं सबको जॉब नहीं मिल जाती और मैं ये बोलकर आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता मैं आप ही को बोलूंगा कि आप अपने अंदर सुधार करो इसीलिए मैं ये काम लेकर आया हूं सबके लिए ठीक है क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं चाहता हूं कि इस साल हंड्रेड परसेंट आप सबका सिलेक्शन हो जाए जो लोग मुझसे जुड़े हुए आ रहे हैं और मैं आपको हंड्रेड एक चीज बोल दूंगा चैनल का आज आप ये वीडियो देख रहे हो ना कंटिन्यू बन जाओ आज से हंड्रेड परसेंट आपकी जॉब प्लेसमेंट हंड्रेड परसेंट ठीक है क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि आपको अपडेट दिया आप अप्लाई करो छुट्टी एक एक चीज मैंने बताई है स्टार्टिंग टू एंड अभी तक एक एक चीज बताता हूं तब जाके इतने लोगों के सिलेक्शन भी हुए ठीक है तो जब मैं सिलेक्शन का प्रोसीजर भी बताता हूं कि आप ये करो आप तब सिलेक्ट हो जाओगे आप वो करो तब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो एक एक चीज को आप माइंड करके चलो ऐसा नहीं है कि आप जस्ट मैंने आया और मैंने आपको अपडेट दिया और बस वीडियो खत्म ठीक है तो एक एक चीज समझोगे 100% आपका सिलेक्शन होगा तो प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना अपने दोस्तों में शेयर करना एंड पसंद आया वीडियो तो सब्सक्राइब तो कर रखा होगा शायद या बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक की